हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो ऑफ योर चैनल। जैसा आपने हेडिंग तो पढ़ लिया होगा, दिस इज़ फॉर द कम्युनिकेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं, आई विल स्टार्ट द वीडियो या वहाँ की बातें आई विल वांट टू। मैंने एक पूरा लिस्ट रेडी किया है, दीज आर दी टेक्निक्स विच यू कैन यूज़ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। इतने ईयर्स में आई हैव ऑल्सो प्रैक्टिस दीज थिंग्स, आई हैव ऑल्सो पुट इन टू हैबिट ऑफ डूइंग दीज टेक्निक्स एंड इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन स्किल्स। हमें मुझे मालूम है बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंग्लिश बोलने में जिन्हें बड़ी दिक्कत होती होगी। इंग्लिश मूवीज़ हम सब देखते हैं, इंग्लिश वेब सीरीज़ हम सब देखते हैं, हमें इंग्लिश समझ में आती है, मोस्टली सबको इंग्लिश समझ में आती है, थोड़ी बहुत तो सबको समझ में आती है। बट व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेटिंग एंड यूजिंग दिस लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन, दैट्स द प्लेस वेयर पीपल फेस प्रॉब्लम। शुरुआत में मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से आपने आपकी पढ़ाई की हो, या किसी भी वर्नाक्युलर मीडियम से आपने आपकी स्टडीज़ की हो, अनटिल अनलेस यू आर नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू आर नॉट यूजिंग दिस लैंग्वेज डेली इन योर कम्युनिकेशन, इन स्पीकिंग विद एवरीवन, टॉकिंग टू एनीवन, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दिस लैंग्वेज यू विल नॉट गेट वेल वर्स्ड विद दिस लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस इट डेली। तो मैं कुछ आपको इसमें टेक्निक्स बताना चाहता हूँ, मैंने नोट डाउन किया हुआ है, तो इन टेक्निक्स को आप प्लीज़ यूज़ में लाइएगा एंड यू विल सी ह्यूज डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है, हम सभी लोग इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, हम सभी लोग सब तरह की वेब सीरीज़ जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश होती है, वी डू दैट। सो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू वॉच एनी इंग्लिश मूवीज़, एनी इंग्लिश वेब सीरीज़, for our betterment, the producers or the directors or the writers, they put the subtitles on the screen, ताकि जो दूसरे language के लोग हैं, जो दूसरी countries में, if they are showing their shows or movies, people can read those subtitles and come to know what exactly the person is saying, because for those people who don't know English, उनके लिए without reading the subtitles it is very difficult to understand what the actor is saying. तो हम जब next time कोई भी subtitle, कोई भी English movie देखें, web series देखें, उन subtitles को आप ध्यान से read करें, एक notebook रखें साथ में। I'm not saying कि don't enjoy the movie, enjoy the movie, I also do the same thing, अभी नहीं करता मैं, but in my initial time when I used to improve my communication, when I thought that I should do something for improving my communication, tab us time I used to keep a pen and paper ready with me, I used to keep an app ready with me in the mobile, us app ka naam hai English, wo ek dictionary hai, to isme this is the best app I have ever gone through, ye ek aisa dictionary app hai जिसमें कि यू विल गेट एवरी अदर वर्ड विच यू सी विच यू रीड एवरीवेयर, यू विल गेट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इन दिस इंग्लिश डिक्शनरी। ऐप का ही नाम इंग्लिश है, ये बेसिकली यूएस इंग्लिश से एफिलिएटेड है, सो आपको सारे प्रोनंसिएशंस एंड सारे जो वर्ड्स हैं इसमें मिल जाते हैं। तो आप जब भी कोई वेब सीरीज देखें, कोई भी इंग्लिश मूवी देखें, ध्यान से आप रीड करें उन सब टाइटल्स को, हार्ड वर्ड्स को नोट डाउन करें, उसके बाद स्टार्ट यूजिंग दोज वर्ड्स इन योर कम्युनिकेशन। अनटिल अनलेस यू विल कम्युनिकेट, यू विल यूज इंग्लिश इन योर कम्युनिकेशन, इट विल नॉट इम्प्रूव। मुझे पता है हमें पहले डर लगता है, वी थिंक दैट शायद से वी विल फंबल अ लॉट, यस हम लोग बहुत फंबल करेंगे, वी विल डेफिनेटली फंबल अ लॉट, लेकिन यहाँ पर जस्ट नॉट बिकॉज वी विल फंबल वी शुड नॉट प्रैक्टिस, दैट्स अ रॉन्ग थिंकिंग, प्रैक्टिस एंड यू विल इम्प्रूव। कोई भी लैंग्वेज हो, इफ़ यू आर नॉट इम्प्रूविंग, इफ़ यू आर नॉट स्पीकिंग इट डेली, यू विल नॉट इम्प्रूव एट ऑल। इवन अगर आप हिंदी भी ले लें फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप हिंदी भी सीखना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न हिंदी, इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव, यू हैव टू स्पीक इट डेली।
यू हैव टू गेट यू गेट यूज टू स्पीकिंग दैट लैंग्वेज. तो कोई भी लैंग्वेज हो, नो लैंग्वेज इज ईजी टू लर्न एंड ऑल्सो ऑन द अदर हैंड नो लैंग्वेज इज हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड हार्ड टू लर्न, बट यू जस्ट हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग. जो चीज़ें मैंने करी है अभी तक की मेरे लाइफ में, एंड आई हैव सीन लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट इन माई कम्युनिकेशन. हाँ, अभी भी मैं भी बहुत सारी मिस्टेक्स करता हूँ, एवरीवन डज इट, बट द थिंग इज दैट यू कीप इम्प्रूविंग. यूज दिस कम्युनिकेशन, यूज द इंग्लिश लैंग्वेज मोर ऑफन एंड यू विल सी ह्यूज डिफरेंस इन योर कम्युनिकेशन. आप जितना इस लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, जितना आप इस लैंग्वेज से बात करेंगे, लैंग्वेज में बात करेंगे, वो उतना ही इम्प्रूव होगी. दूसरी ट्रिक तो नहीं, बार बार मैं ट्रिक कह रहा हूँ, इट्स वन ऑफ द टेक्निक्स रादर. वो जो ऐप मैंने आपको बताया, ऐप को इंस्टॉल करें, उस ऐप में सारे वर्ड्स के मीनिंग मिलते हैं प्लस विद द प्रोनंसिएशन. दैट्स द बेस्ट थिंग दैट विल हैपन. वो जो प्रोनंसिएशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, बहुत हार्ड वर्ड्स होते हैं, वी डोंट नो द प्रोनंसिएशन ऑफ इट. बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, जस्ट पुट दैट वर्ड इन टू दैट ऐप, प्रेस द, वहाँ पे एक छोटा सा साइन होता है, स्पीकर का साइन आपने देखा होगा, उस स्पीकर के साइन पे आप क्लिक करें, दैट विल गिव यू द प्रोनंसिएशन ऑफ दैट वर्ड. एंड इट इज़ रियली ईजी टू लर्न द प्रोनंसिएशन. बहुत स्लोली प्रोनंसिएशन होता है उस ऐप में, लाउड एंड क्लियर होता है, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं, वेन यू स्पीक, आप क्योंकि ये आपका शुरुआती टाइम है, आप लैंग्वेज अभी इम्प्रूव कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग यू आर एट द एब्सोल्यूट इनिशियल फेज. आई नो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आती ही है, सो इट्स काइंड ऑफ अ ब्रशिंग अप, यू आर ब्रशिंग अप योर कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, तो जब आप इसको ब्रश अप कर रहे हैं, ब्रश अप करने के लिए ट्राई टू स्पीक स्लो. व्हेन यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक स्लो, यूज द वर्ड्स करेक्टली, प्रनाउंस द वर्ड करेक्टली, क्योंकि प्रोनंसिएशन एक ऐसी चीज़ है, इंग्लिश बहुत सारे लोगों को आती है, आई हैव सीन, बट द प्रोनंसिएशन इज रियली पैथेटिक, इट्स हे वायर. ऐसा ऐसा प्रोनंसिएशन किसी एक सिंपल से वर्ड का होता है जो कि एक्चुअल में उसका प्रोनंसिएशन है ही नहीं. सो रादर देन मेकिंग इट अ हैबिट ऑफ प्रोनाउंसिंग द वर्ड रॉन्ग, ट्राई टू प्रोनाउंस द वर्ड क्लियरली. शुरू में आपको दिक्कत होगी, ट्राई टू स्पीक वेरी स्लो, यूज ऑल द वर्ड्स करेक्टली, प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली. फिर इसको आप जब हैबिट में ले आते हैं, देन ऑटोमेटिकली यू विल गेट इन टू दिस हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश वेरी इजिली, यूजिंग दोज वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स, एंड यूजिंग द कम्युनिकेशन एंड मेकिंग द कम्युनिकेशन रादर वेरी वेल. जब आप उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उनको आप कंटिन्यूसली बोलते हैं, यू विल गेट द करेक्ट प्रोनंसिएशन नेक्स्ट टाइम. फिर है प्रैक्टिस, आप कैसे कर सकते हैं. सबसे ईजी तरीका है प्रैक्टिस करने का, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे हैं, सिट विद देम, स्पीक इन इंग्लिश. सबसे बेटर होता है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ करना, क्योंकि आप तभी आप ज़्यादा शर्माते नहीं हैं, आपको ज़्यादा झिझक नहीं होती. यू डोंट फील ऑकवर्ड व्हेन यू स्पीकिंग विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली. यू फील इफ़ यू इवन मेक मिस्टेक, दे विल नॉट लाफ एट यू. हाँ, अगर फिर भी ऐसा कुछ होता है, दैट्स ओके. बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कोई भी लैंग्वेज सीखना है, स्पेशली इफ़ यू स्पीकिंग इंग्लिश, इफ़ यू लर्निंग इंग्लिश, डोंट थिंक दैट पीपल विल मॉक यू. नो वन विल एवर मॉक यू. इफ़ यू डोंट गिव द परमिशन टू दैट पर्सन टू मॉक यू, दे विल नॉट. आपका लैंग्वेज सीखिए, लैंग्वेज पे कमांड बनाइए, एंड देन सी द पर्सन हु हैज मॉक्ड यू, he will definitely come and say, buddy, you have really improved and I want to learn this language from you. So sharmana and wo darna wo bilkul chhod dijiye. Jab tak aap dar nahi nikalenge apne andar se, aap language nahi seekh payenge. So better you make sure that you get out of this habit of getting scared with this language. It's a very simple language, you just have to keep practicing. फिर उसके बाद आता है, जब आप इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बात करते हैं, अगर आपके पास कोई नहीं है, आप कह रहे हैं कि नहीं, आई स्टे अलोन, आई डोंट हैव एनीवन विद मी, तो आप अकेले बात करिए. ट्राई टू स्पीक
as much as you can, because this again it depends on the practice, the number of practice you do and number of practice you have to do for the language. जितने बार आप दिन में इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका माइंड एक्टिवेट होता है, सेइंग दैट यू आर प्रेशराइजिंग योर माइंड एंड यू आर टेलिंग योर माइंड दैट यू हैव टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज. योर माइंड गेट्स हैबिचुएटेड इन स्पीकिंग. एक बार आपको हैबिट पड़ जाएगी, नेक्स्ट टाइम विद अ क्लिक, विद अ ब्लिंक ऑफ आई आप इस लैंग्वेज को बोल पाएंगे. इट हैज़ हैपन विद मी. अभी 3-4 साल पहले इट वॉज एन इंटरनेशनल कंपनी वॉज वर्किंग विद, सो देयर ऑस्ट्रेलियन कस्टमर्स से मुझे बात करना पड़ता था. सो आई यूज़ टू स्पीक विद देम इन ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स का हमारा शिफ्ट रहता था. सो यू कैन अंडरस्टैंड यू आर स्पीकिंग दिस लैंग्वेज फॉर ऑलमोस्ट 7 आवर्स एवरी डे, यू विल डेफिनेटली गेट वेल वर्स्ड विद इट. Because you're getting into that habit of speaking, your mind is getting into that habit of speaking daily. You are putting and you're making the mind that yes, mind is getting ready. You're saying your mind, you're commanding your mind that you have to speak. Once you get into the habit, you will do it very easily. उसके बाद हम जब इसको रोज प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इंग्लिश बुक्स वगैरह हम रीड करते हैं, इंग्लिश नॉवल हम रीड करते हैं, लेकिन हम सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, हम कोई नॉवल हम पढ़ रहे हैं, हम हमें अच्छा लग रहा है नॉवल, हम बस स्टोरी रीड करके ख़त्म कर देते हैं. ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू रीड दीज वर्ड्स, रीड दिस नॉवल और एनी बुक यू आर रीडिंग, उसको ईजी तरीके से रीड करें, उसको क्लियर, लाउड एंड क्लियर रीड करें, स्लोली स्लोली रीड करें. उससे आपका दोनों चीज़ें होंगी, यू विल एंजॉय द नॉवल एज वेल एंड बैकग्राउंड में यू आर इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन, योर इंग्लिश एज वेल. ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ, मैं अभी भी करता हूँ एंड इट रियली हेल्प्स. आज भी वेज मैं कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का लैंग्वेज की बुक पढ़ता हूँ या कोई भी मूवी देखता हूँ, आई ऑलवेज पे अटेंशन टू व्हाट दे आर स्पीकिंग, आई ऑलवेज रीड वेरी क्लियरली, वेरी केयरफुली एंड लाउड. द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन इज़ टू बी लाउड एंड क्लियर. अब जितना आपकी आवाज़ को बुलंद रखेंगे, जितना क्लियर बोलेंगे, उतना ही प्रोनंसिएशन भी क्लियर आएगा. यू विल बी एबल टू स्पीक एंड बाय डिफॉल्ट आपका ये जो आई विल से दी इंटोनेशन होता है आवाज़ का, वो बहुत बेहतरीन होता है. आप एक तरह से यू कैन से दैट यू आर स्कल्पटिंग योर वॉइस व्हेन यू आर यूजिंग दी वर्ड्स लाउड एंड क्लियर. व्हेन आई से लाउड एंड क्लियर, इट्स एक्चुअली लाउड एंड क्लियर. सो मैंने जैसे आपको बताया कि आई एम गोना मेक अ सीरीज फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज आप एक बार में नहीं सीख सकते, तो एक वीडियो में कैसे सीखेंगे. सो आई एम ट्राइंग टू मेक इट नंबर ऑफ वीडियोस फॉर दिस टॉपिक. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं करता हूँ, जो मैंने सीखी हैं, आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू पीपल एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा. पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, डेफिनेटली शेयर करें, बिकॉज हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको थोड़ी बहुत परेशानी होती है इंग्लिश सीखने में या बोलने में. दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प देम, आई होप सो इट विल हेल्प यू. अभी तो ये शुरुआत है, पहला वीडियो है, सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू शेयर, लॉट मेनी थिंग्स आर कमिंग. सो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, कोई भी आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, कभी भी उस लैंग्वेज को सीखने से और बोलने से शर्माइए मत, बिल्कुल मत घबराइए. लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें मजाक उड़ाने दीजिए. मजाक उड़ाने वाले हमेशा वही काम करेंगे, दे आर नॉट गोना लर्न. द पर्सन हु इज़ लर्निंग, इट्स यू, यू आर लर्निंग इट. सो गिव योर 100%, डोंट गेट शाई, डोंट बी शाई, डोंट गेट अशेम्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और फंबलिंग व्हेन यू आर स्पीकिंग, बिकॉज एक प्रोवर्ब है हिंदी में, मुझे अभी पूरा याद तो नहीं आ रहा है, बट उसका मॉरल ये है कि अनटिल अनलेस यू विल मेक मिस्टेक्स यू विल नॉट लर्न. आप गलती करेंगे तभी आप सीखेंगे.
सो मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं, मैं ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स करता था, आज भी करता हूँ मैं, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है आप बिल्कुल उसको 100% सीख नहीं सकते. इट्स द थिंग ऑफ लर्निंग ऑल योर लाइफ. लैंग्वेज इज़ द थिंग दैट यू हैव टू लर्न ऑल योर लाइफ. इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टाइम थिंग, अ शॉर्ट टर्म गोल और समथिंग विच विल अचीव इन जस्ट सम मंथ्स और सम ईयर्स. यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग, यू हैव टू कीप लर्निंग. दैट्स वॉट आई एम डूइंग एंड आई होप यू विल ऑल्सो डू दैट. तो अभी इस वीडियो में इतना ही. ऑलरेडी 15 मिनट्स का वीडियो हो चुका है. फिर आप लोग बोलोगे कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो ये सीरीज़ होने वाली है. डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आई विल शेयर सम मोर एक्सपीरियंसेस एंड सम मोर टेक्निक्स ऑफ इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन. सो फॉर नाउ लेट्स कीप इट दिस मच. एंड आपको पता है क्या करना है. अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब फॉर मोर.